हेलो फ्रेंड्स, हेयर यू वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद जीनत। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ। ये वीडियो बच्चों के लिए, आपके बच्चों को इंग्लिश कैसे सिखा सकते हैं। हिंदी वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला को हिंदी में व्यंजन कहते हैं और इंग्लिश में कॉन्स्टेंट कहते हैं। ए आई ओ की वीडियो मैंने फर्स्ट वीडियो में करा दी थी, जो वोवल्स होते हैं। अब मैंने इनकी का खा की वीडियो बनाई है। का उसके साउंड पहचान के आप इंग्लिश में भी इसे लिख सकते हैं। का 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 की इसके दोनों में आप साउंड पहचाने की को किस तरह से लिखा जाता है इंग्लिश में। की ये बड़ी की है, इसे के और डबल ई की तरह लिखा जाता है इंग्लिश में। की कू इंग्लिश में इसे के और यू लिखा जाता है। कू के डबल ओ कू के को इंग्लिश में लिखा जाता है के और ई के के इसे हिंदी में, इसमें डबल ओ की मात्रा जब आती है तो इसे इंग्लिश में लिखा जाता है के और आई। को लिखा जाता है के और ओ को कौ के ए और यू कौ को कैसे लिखा जाता है के और के ए और यू। काम एंड कैन के काम को कैन भी कह सकते हैं और काम भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके से इसका यूज होता है। काम एंड कैन खा सिंपल खा होता है तो के और एच ही आता है बोलने। खा जब हम खा लिखेंगे तो के और एच और ए आएगा। खा खी के एच आई खी 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 बड़े जब हम इस साइड को जब मात्रा आएगी तो खी किस तरह से लिखा जाएगा के एच और डबल ई खी। खू खो को इंग्लिश में लिखते हैं के एच यू खू के एच यू खू खू के एच डबल ओ खू खू खे के एच ई। आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों तरह से इसमें समझ में आएगी कि किस तरह से इसे इंग्लिश में लिखते हैं और किसे हिंदी में लिखते हैं। खे के एच ए आई खे खे खो के एच ओ खो 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 के एच ए यू खाओ के एच ए यू खाओ। खाम इसको भी हम दो तरीके से लिखते हैं इंग्लिश में, खाम और खैन। कहीं हम इसको प्रयोग खाम की तरह करेंगे और कहीं खैन की तरह करेंगे। इसे आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों समझ में आएगी और आप लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे, और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।